हेलो गाइस, टुडे आई एम बैक अगेन अनदर वीडियो। इस मंजिल के ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और अभी मैं घर पे हूँ, नागरकटा हम लोग का घर। और आज का जो तारीख है 9/11/2023 यानी कि नवंबर चल रहा है। और टाइम देख सकते हैं आप कितना टाइम हुआ है यहाँ पे। अभी घड़ी में देख सकते हैं अभी दिन का है ये। तो दोस्तों आज निकलेंगे और मेरा ये बोर्डिंग पास भी रेडी है, ट्रेन का एसी स्लीपर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन सा डेट को कहाँ से ट्रेन है, ठीक है। उसके बाद ये दिखा के टिकट ले लेंगे मुजफ्फरपुर से। लेकिन सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर पहुँचना पड़ेगा, बस में जर्नी होगा नगरकटा से मुजफ्फरपुर के लिए, मुजफ्फरपुर बिहार। तो वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे बैंगलोर के लिए, ट्रेन पकड़ेंगे, वहाँ से फिर यशवंतपुर में उतरेंगे। तो बने रहिए, लगे रहिए, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू फ्रेंड्स। तो गाइज मैं रेडी हो चुका हूँ, अब हम लोग निकलने वाले हैं उस तरफ। कहाँ जाएंगे? पहले तो जाएंगे उधर जहाँ पर मैंने आपको बताया था पहले, तो वहाँ पर जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं अपने मम्मी के पापा के यहाँ पे, दादाजी जो थोड़े वीक हो चुके हैं, उनका एज हो चुका है। तो इसीलिए हम लोग जाके थोड़ा उनसे आशीर्वाद लेंगे हम, और उसके बाद मैं निकलता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये मेरे मम्मा, मम्मा हाय, मम्मी हाय, आप सभी को हाय कर रहे। तो चलिए बाबू के पास चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, ये जम्बो, ये जम्बो नगर बाबे, नमस्ते नमस्ते। अन्त के गर्नु हुँदैछ? पेरो प्रब्लम है के? यो ल खुट्टे नि हो लु भन्नु अब हजुर जाने माइजू बस्नुहोस् भाइ, कहाँ ढिलो हुन्छ बाबे? 5-6 बजे पुग्नु पुग्छ, उहाँ 5-6 बजे पुग्छ। आउनु न तपाईँ, सदा सुखी रहनु, लामो आयु होस्, रोग कष्टहरू भयो भए पनि सदा सुखी रहनु, सदा सुखी नान्य गुण्य हुनु, आमा बाबाले भनेको कुराहरू मान्नु, मलाई 100 वर्षको आयु होस्, सदा सुखी रहनु, रोग कष्ट नलागोस्। लगे तो यहाँ से दोस्तों अभी हम लोग जाएंगे माल बाजार तक, माल बाजार से फिर गाड़ी चेंज करके हम लोग सिलीगुड़ी जाएंगे। तो वहीं से बस पकड़ना पड़ेगा, आप लोग बने रहिए, लगे रहिए, कीप वॉचिंग।
पहुंच गया हूँ और टिकट भी ले लिया हूँ। टिकट है मुजफ्फरपुर जाएंगे यहाँ से। गाड़ी कोलकाता मालदा फरक्का बहरामपुर कृष्णनगर रानाघाट चकदा कोलकाता पटना हाजीपुर महुआ ताजपुर खगड़िया बेगूसराय दरभंगा मुजफ्फरपुर गोरखपुर अररिया फारबिसगंज जोगबनी। तो 8 बजे बस है, अभी बज रहे 7, तब जब हम सिलीगुड़ी में ही अभी देखते हैं। सिलीगुड़ी का जंक्शन में है, यहाँ पे ओम ट्रेवल्स में हम लोग जाएंगे। ये अपना आज का खाना फाइन दोस्तों, इस बस में मैं मुजफ्फरपुर जाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं अभी फिलहाल बस से उतर चुका हूं और मैं पहुंचा हूं यहां पे बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर में हूं। अभी सुबह के 5 बजे हैं, रात को चढ़े थे कल 8 बजे। 8 बजे सिलीगुड़ी से बस छोड़ी थी और हम यहां बैरिया गोलंबर 5 बजे पहुंचे हैं, तो 8 घंटे का डिफरेंस। और उसके बाद दोस्तों अभी हम लोग मुजफ्फरपुर से ट्रेन पकड़ेंगे बेंगलोर के लिए, तो 3:30 बजे शाम को है। अभी कुछ देर इधर रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर उधर जाएंगे। दोस्तों बैरिया गोलंबर में देख सकते हैं किस प्रकार के न्यूज़पेपर तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। आप घर घर गली गली जाके पहुँचाएंगे तो न्यूज़पेपर वगैरह तैयार हो रहा है। अभी सुबह का 5:20 हो चुका है। दोस्तों बैरिया में धीरे धीरे सुबह होती जा रही है, अभी सुबह के 6 बज चुके हैं। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अपने लगेज लेने के लिए, पूरा हमारा स्कूल जो वहाँ पे दिख रहा है आपको, वहाँ पे पढ़ाते थे। अभी फिर बैग लगेज लेके निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो दोस्तों ये रहा गरम चौक, अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे हॉस्टल की तरफ, ताकि मैं अपने बैग वगैरह ले सकूँ। आप देख सकते हैं कितने गड्ढे हैं। दोस्तों देख सकते हैं मेरे पीछे बैग, अभी मैं निकल रहा हूँ हॉस्टल से बैग लेके, जाएंगे मुजफ्फरपुर स्टेशन। तो दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ मुजफ्फरपुर जंक्शन, टोटो में सवार हो चुका हूँ, अब जाएंगे आगे, स्टे कनेक्टेड। तो दोस्तों फाइनली मैं मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुँच चुका हूँ। मैं देख सकता हूँ कितनी भीड़ है, इसके बाद हम लोग। तो दोस्तों मुजफ्फरपुर जंक्शन के 2 गेट हैं, एक यहाँ पे जो गेट दिख रहा है और दूसरा गेट इधर में है, यहाँ पे है और आगे और एक गेट है, बहुत सारा है, 4 गेट है। और हम लोग यहाँ से एंट्री करने वाले हैं, देख सकते हैं आप प्लेटफॉर्म एंट्रेंस। तो दोस्तों हमारी गाड़ी आ चुकी है, ट्रेन में जाने वाले हैं।
तो फाइनली मैं ट्रेन के अंदर चढ़ चुका हूँ और ट्रेन में हम लोग सफर करेंगे मुजफ्फरपुर जंक्शन से यशवंतपुर बेंगलोर तक का। ठीक है, तो लगे रहिए, बने रहिए, स्टे कनेक्टेड ग्रुप को। फाइनली मैं यशवंतपुर जंक्शन पहुंच चुका हूँ। रात के 11:30 बजे उसके बाद कल सुबह यहाँ से मडिकेरी के लिए निकलेंगे बस पकड़ के, तो अगले देखेंगे क्या होता है। देख सकते हैं आप स्टेशन यशवंतपुर जंक्शन। आज 12 तारीख और 11:30 के टाइम में मैं यहाँ पहुँचा। काफ़ी भीड़ भी है इधर में। यहाँ पर भी NJP हम लोग का सिलीगुड़ी जंक्शन की तरह है यहाँ पे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं साउथ वेस्टर्न रेलवे यशवंतपुर पहुँच चुका हूँ। मेरा बाल उल भी सूख चुका है, 3 दिन लगातार ट्रेन में था, तो ये ऐसा हालत तो होना ही है। स्टेशन का देखिए, छत का लुक वगैरह भी अच्छा है। तो अभी दोस्तों रात के 12:30 हो चुके हैं और मैं आ चुका हूँ सैटेलाइट बस स्टैंड में। वहाँ से होते हुए टोटो से होते हुए मैं यहाँ तक आया ऑटो से, 400 रुपये भाड़ा लगा। जो यशवंतपुर जंक्शन जो है वहाँ से फिर मैं इधर आया हूँ। यशवंतपुर जंक्शन से सैटेलाइट बस स्टैंड, अगर हम लोग को मडिकेरी जाना है तो सैटेलाइट बस स्टैंड में ही आना पड़ेगा। व्यू देख सकते हैं यहाँ का, क्योंकि मैजेस्टिक से आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा मडिकेरी जाने के लिए, आप लोगों को दोस्तों यहीं पर आना पड़ेगा सैटेलाइट बस स्टैंड। देखेंगे बस कितना बजे है, उसके बाद हम लोग यहाँ से भी निकलेंगे मडिकेरी की तरफ। तो दोस्तों मैं बस ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया हूँ। यहाँ पर है बस का, बस जाने का रास्ता। बस स्टॉप, ये बस स्टॉप है सैटेलाइट बस स्टॉप। यहाँ से हम लोग मडिकेरी जाने के लिए गाड़ी मिलेगा दोस्तों। देखते हैं, टिकट बुकिंग का हूँ। तो दोस्तों सामने ये जो बस देख रहे हैं, इस बस में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ यशवंतपुर। ये सैटेलाइट जो बस स्टैंड है यहाँ से मडिकेरी की तरफ। अभी रात का 12:30 हुआ है। इस बस में देखिए 264 रुपये भाड़ा है यहाँ से वहाँ तक। जब मैं टोटो से यहाँ यशवंतपुर जंक्शन से सैटेलाइट तक आया तो 400 रुपये भाड़ा लिया, क्योंकि रात का टाइम है दोस्तों, बस उस नहीं मिलता है। 11 बजे तक ही बस सर्विसेज अवेलेबल है। स्लीपर बस में जाना चाहता था मडिकेरी, लेकिन वो भी हो नहीं पाया क्योंकि
लास्ट 11 बजे तक ही आपको स्लीपर बस मिलेगा, उसके बाद फिर एक बैठ के जाने वाला जो बस सीटेड तो उसमें जाना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलेंगे मडिकेरी में, कीप वॉचिंग। हेलो दोस्तों, मैं मडिकेरी पहुंच चुका हूं अभी फ़िलहाल, और हम लोग पहले कल बस स्टैंड जो सैटेलाइट बस स्टैंड है बेंगलोर में वहां से चढ़े थे, अभी यहां पर तो मडिकेरी पहुंच चुके हैं सुबह 6:30 बजे। और दोस्तों बाकी सब ठीक है, अब यहां से फिर जाएंगे, उसके बाद ड्यूटी करेंगे, उसके बाद पैसे घुमाएंगे, क्या बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो हम लोग मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, मैं फिर से ऐसा ब्लॉग वीडियो बनाकर लेके आता रहूँगा आप लोगों के सामने। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।